सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। सो गाइस, फाइनली 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 बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इस अकाउंट पे, इस चैनल पे शिनचैन के बारे में, क्योंकि मैंने 1 साल से कोई भी वीडियो नहीं डाली है इस चैनल पर, इस अकाउंट पे। लेकिन अब से मैं रेगुलर वीडियोस डाला करूँगा आपके लिए। एंड देखो, रेगुलर वीडियोस मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं भूल चुका था मेरा ये भी अकाउंट था। बट कोई नहीं, अभी मेरे को याद है, याद आ गया। और अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी शिनचैन की, हॉरर एपिसोड्स एंड मैनी मोर थिंग्स। इसलिए सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर लो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं शिनचैन का हॉरर मिस्टीरियस एपिसोड। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिनचैन और उसके सारे दोस्त कहीं जा रहे होते हैं मेन रोड से, और ये लोग कुछ बातें करते हुए जा रहे होते हैं। और तभी बो को एक शॉप में रखी हुई बहुत सारी डॉल्स दिखती हैं। बो अपने दोस्तों को वो डॉल्स के बारे में दिखाता है और कहता है, ये देखो। फिर वहाँ पे देखते हैं कि वो सब डॉल्स काफी ज्यादा स्कैरी दिख रही थी, उनकी आंखें बहुत ही ज्यादा स्कैरी थी एंड बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। और बो कहता है, क्या तुम्हें पता है इनके बीच में जो एक डॉल है उसका नाम है द फ्रेंच डॉल। कुछ साल पहले एक लड़की हुआ करती थी जो अपनी ये वाली डॉल को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसे किसी कारणवश कहीं शिफ्ट होना पड़ा और वो अपनी डॉल को वहीं छोड़ गई। और तब से वो डॉल की आत्मा उस लड़की को ढूंढ रही है और यही सड़कों पे घूमती है। वो मसाओ ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो डॉल काफी ज्यादा डरावनी एंड काफी ज्यादा खतरनाक दिखती थी। और शिनचैन मसाओ का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन मसाओ कहता है, चुप हो जाओ तुम सब लोग। फिर मसाओ उस डॉल की आंखों में देखता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है, काफी ज्यादा स्कैरी दिख रही होती है। लेकिन तभी कजामा मसाओ के पीठ पर हाथ रखता है और मसाओ काफी ज्यादा डर जाता है। और मसाओ कहता है, कजामा ये तुम क्या कर रहे हो। कजामा कहता है, मुझे माफ कर दो। फिर हमें बार बार उसी डॉल का फेस दिखाया जाता है। फिर तभी मसाओ अपने घर आता है एंड जब वो घर आके चेक करता है, उसकी मॉम ने वही डॉल खरीदी होती है जिससे देखकर मसाओ काफी ज्यादा डर रहा था, जो कि वही शॉप के अंदर रखी हुई थी। एंड फिर हमें दिखाया जाता है शिनचैन भी घर आता है एंड शिनचैन की मॉम कहती है, बेटा तुम ये मसाओ का स्कार्फ क्यों घर पर ले आए, उसको वापस करके आओ, क्योंकि शिनचैन ने मसाओ का मफलर अपने गले में डाल रखा था। और उसकी मम्मी कहती है, मिसाई कहती है कि जल्दी जाओ और उसे वापस कराओ। शिनचैन कहता है, अच्छा मैं वही जाता हूँ। और फिर मसाओ की मम्मी बताती है कि ये डॉल मैंने बहुत सालों पहले ली थी और ये मेरे कवर्ड में से निकली है, मैं कभी सफाई कर रही थी ये वहाँ से निकली है। मसाओ कहता है, क्या मम आप ये डॉल वापस रख सकती हैं। उसकी मम कहती है, नहीं ये मेरी यादें हैं। फिर मसाओ डॉल को देख काफी ज्यादा डर जाता है। फिर तभी मसाओ की मम कहती है कि तुम घर पर रुको, मेरे शॉपिंग करने जाना है। मसाओ कहता है, नहीं मॉम, क्या मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि वो काफी सारा डरा हुआ था और सहमा हुआ था वो डॉल से। लेकिन उसकी मॉम कहती है, नहीं तुम रहने तो घर पर देखो, एक्शन कमीन आने वाला है और मैं शॉपिंग करके आती हूँ। फिर उसकी मॉम अकेले मसाओ को घर पर छोड़ आती है। मसाओ काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसे अकेले घर पर नहीं रहना था, वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर मसाओ टॉयलेट में चला जाता है। फिर शिनचैन मसाओ के घर आता है उसका मफलर वापस करने। फिर शिनचैन देखता है कि मसाओ तो घर पे है ही नहीं, कोई भी घर पे नहीं है, लेकिन मसाओ असल में टॉयलेट करने गया होता है। इसलिए शिनचैन मसाओ की खिड़की से अंदर जाकर देखता है, वो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। फिर खिड़की खोल के वो अंदर आ जाता है। फिर जैसे ही वो अंदर आता है, वो देखता है यहाँ पर वही वाली डॉल रखी है जो उस शॉप के अंदर थी। शिनचैन भी उस डॉल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और शिनचैन कहता है, ये तो वही डॉल है जो बो ने हमें दिखाई थी। फिर शिनचैन उसे बैठा कर चला जाता है। फिर मसाओ टॉयलेट करके आता है और वो डॉल को देखता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है वो डॉल को देखकर, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसकी मॉम डॉल को खड़ा कर रख रही थी, ना कि बैठा कर। वो डॉल पहले खड़ी हुई थी लेकिन अब वो बैठ चुकी है अपने आप ही, लेकिन वो डॉल शिनचैन ने बैठाई थी। इसलिए मसाओ कहता है कि यार अच्छा ये तो ऐसी गिर गई होगी, नॉर्मल सी बात है, मेरे को डरना नहीं चाहिए। लेकिन मसाओ अंदर ही अंदर डरा हुआ होता है और मसाओ उस डॉल की आंख में देखता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी एंड मसाओ काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर मसाओ उस डॉल का चेहरा पीछे कर देता है क्योंकि इसको उसके डॉल के चेहरे से काफी ज्यादा डर लग रहा था, और वो पीछे करके चला जाता है। फिर तभी शिनचैन आता है और कहता है कि मसाओ का मफलर देना तो मैं भूल ही गया। फिर शिनचैन कहता है कि अरे ये क्या, इस डॉल का चेहरा पीछे क्यों है, इसे आगे करो। फिर शिनचैन उस डॉल का चेहरा आगे करके चला जाता है। फिर तभी वहां से मसाओ भी आता है अपने चौक लेकर एंड वो देखता है कि उस डॉल का चेहरा दोबारा से आगे है, और इसे देखकर मसाओ काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो रोकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर शिनचैन कहता है, अरे मसाओ का मफलर दोबारा वापस करना, मैं भूल ही गया क्या यार। फिर शिनचैन देखता है कि वहाँ पर उसके फेवरेट खाना रखा हुआ था, उसके फेवरेट स्नैक रखे हुए थे,
अब वो उसे खाने लग जाता है, लेकिन ऊपर मसाओ काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। मसाओ को नहीं पता होता कि उसके घर में शिनचैन आ रखा है और वो ही ये सब कुछ कर रहा है। अब वो अंदर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और रो रहा होता है। यहीं पर शिनचैन हमारा बैठ के मसाओ के सारे स्नैक खा लेता है और कहता है अरे ये तो खत्म भी हो गए। शिनचैन कहता है अरे एक्शन कमिंग तो आने वाला है, चलो देखते हैं। फिर कहता है रिमोट रिमोट, आखिर टीवी का रिमोट कहाँ पर है। मसाओ सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रहा होता है एंड शिनचैन रिमोट ही ढूंढ रहा होता है। फिर तभी शिनचैन सोचता है कि मैं घर ही आकर एक्शन कमिंग देख लूंगा। मसाओ का मफलर वापस कर देते हैं, लेकिन शिनचैन रिमोट ढूंढने के लिए उस डॉल को फेंक देता है और वहीं पर मसाओ उस डॉल को देख के काफी सारा डर जाता है। वो सोचता है डॉल अपने आप नीचे आके गिरी है। वो सोचता है इस डॉल के अंदर कोई आत्मा है, लेकिन शिनचैन कहता है रिमोट तो मिल ही नहीं रहा है, चलो छोड़ो मैं मसाओ का मफलर इस डॉल पे बांध के रख देता हूँ ताकि मसाओ को मफलर मिल जाए। इसलिए वो मफलर डॉल पे बांध के रख देता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी मसाओ भी वहीं पे आता है और वो डॉल गिर जाती है। मसाओ कहता है ये कैसी आवाज़ थी। फिर मसाओ झाँक कर देखता है, वो देखता है उसका मफलर वहाँ पर पड़ा हुआ है। मसाओ काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। फिर वो अपने मफलर के पास जाता है कि आखिर वहाँ पर है कौन, आखिर उस डॉल में सच में कोई आत्मा है। इसलिए वो मफलर को खींचता है अपने। जैसे वो अपने मफलर को खींचता है वो देखता है उसी डॉल का चेहरा उसके सामने आ जाता है और वो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर तभी उसकी मॉम घर पर आती है और देखती है मसाओ यहाँ पर बेहोश लेटा हुआ है। उसे उन्हें लगता है कि मसाओ जो है उन्हें लगता है मसाओ सो रहा है उस डॉल के साथ, लेकिन नहीं, मसाओ वहाँ पर बेहोश है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसी ये वीडियो अगर आपको हर रोज़ देखनी है, रेगुलर देखनी है तो मतलब सब्सक्राइब कर लो, ऑब्वियसली बात है सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बहुत मन से वीडियो बनती है। तो मिलते हैं गाइस सबसे अगले शिनचैन के हॉरर एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।